उसको ही सम्मान मिलना चाहिए प्रथम महिला शिक्षिका होने का। उनके नाम पे मेरा ये मानना है कि शिक्षिका दिवस मनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धूप बत्ती करते रहें लेकिन उनके मतलब बताए मार्ग पर नहीं चले। सिर्फ महिला ही नहीं, पशु के समान पुरुष समझते थे कि महिला कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया है कि और भी फीमेल्स आगे आके पढ़ सकती हैं। उन्होंने विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान कह सकते हो आप। हाँ, ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल कराना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अच्छी शिक्षा ले सकें। मैंने रात भी पढ़ाया है बच्चों को गांव में जाकर, मेरा डेली यही काम है। अपने जो बहुजन आइकन्स हैं उनको पढ़ाने का काम है कि कैसे बच्चों में जागृति आए। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अधिकार ना मांगे मिले कभी, अधिकार तो छीने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है और हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं बातचीत करने के लिए। किस तरीके से आप देखती हैं पूरा जीवन जो रहा सावित्रीबाई फुले जी का, संघर्ष भरा जीवन रहा है, तो जो नई पीढ़ी है क्या संदेश देना चाहेंगी आप लोग? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। माता सावित्रीबाई फुले अगर आप देखें तो मतलब एक एक क्रांतिकारी महिला थी और महिलाओं के जीवन में तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, सावित्रीबाई फुले जी का जो विवाह था ज्योतिबा फुले जी के साथ भी हुआ था, जब वो मात्र 13 वर्ष के थे। माता सावित्रीबाई फुले वो 9 वर्ष की थी, अशिक्षित थी, लेकिन ज्योतिबा फुले जी को इस बात का बहुत अफसोस था कि उनकी, मतलब अफसोस भी परेशानी थी कि उनकी जो महिलाएं हैं अपने समाज की वो शिक्षित होनी चाहिए। उन्हें मतलब इस बात का हमेशा से वो चाहते थे कि मतलब ज्ञान की ज्योति जलाना, अपनी महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना और शिक्षित करना। तो उन्होंने सबसे पहले, देखिए कोई भी हम काम अगर महान करते हैं तो हमें उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया, उनको शिक्षित किया और उनको फिर आगे बढ़ाया, उनको प्रेरित किया कि वो और भी जो बच्चियाँ थीं उस वक्त, जो महिलाएँ थीं, उनको शिक्षित करने के लिए उनको प्रेरित किया। उन्होंने सबसे जो पहला स्कूल खोला था 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए। तो मैं समझती हूँ उससे पहले जो हमारे काल्पनिक देवी देवता हैं किसी ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। अगर आप देखते हैं मतलब सच्चाई में जाते हैं तो जो केवल वही, उसको ही सम्मान मिलना चाहिए प्रथम महिला शिक्षिका होने का। उनके नाम पर मेरा ये मानना है कि शिक्षिका दिवस मनाया जाना चाहिए। आज 3 जनवरी तो जो है उन्होंने पहले तो खुद शिक्षा ली, उसके बाद भी उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा। लेकिन सवाल ये भी है ना मैडम, तो 192वां उनका बर्थडे मनाया जा रहा है लेकिन किताबों में पढ़ाया जाता है कि माता सरस्वती जी जो हैं कि वो ज्ञान की देवी हैं, आप उनकी उनका पूजा पाठ कीजिए तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। भाई पूजा पाठ की पद्धति तो हमारी नहीं है, है ना, क्योंकि हम इस में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। आप किसी भी अपने महापुरुषों के लिए जिन्होंने आप श्रेष्ठ मानते हैं उनके आदर्शों पर आप चलिए, आप समाज को शिक्षित करिए, अपनी घर के जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करिए। ये होती है जो मतलब उनके प्रति आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना। ऐसा नहीं कि हम धूप बत्ती करते रहें लेकिन उनके मतलब बताए मार्ग पर नहीं चले। तो जो है जब इन्होंने ये मतलब संकल्प लिया कि ज्ञान को फैलाना है, महिलाओं को शिक्षित करना है, ये वो वक्त था जबकि महिलाओं के लिए चूल्हे चौके से आगे कुछ सोचना भी एक तरह से अभिशाप था या उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब लोगों को लगता था बहुत बड़ा अपराध। ज्ञान की ज्योति उन्होंने जलाया था। किस तरीके से मैडम आप लोग मना रही हैं 192वां उनका आज बर्थडे है और बीजेपी जितने सारे नेता हैं, अपोजिशन जितने सारे नेता हैं, हर कोई ट्वीट कर रहा है और बता रहा है कि भारत की जो है पहली महिला शिक्षिका थी। हम उनकी याद में और उन्होंने जो आंदोलन चलाया, मैं इसे एक्चुअली आंदोलन कहना चाहूँगी कि उस ऐसे समय में जहाँ महिलाओं को, मैं आपको बता दूँ, पशु के समान समझा जाता था। सिर्फ महिला ही नहीं, पशु के समान पुरुष समझते थे कि महिला कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया है कि और भी फीमेल्स आगे आके पढ़ सकती हैं। उन्होंने विद्यालय खोला महिलाओं के लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान कह सकते हो आप कि हम आज उनकी वजह से पढ़ पा रहे हैं और एजुकेशन ले पा रहे हैं। जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं या यूं कह लें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को? मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को, एक्चुअली क्या होता है, महिलाओं के ऊपर पुरुषों का प्रेशर रहता है कि ठीक है फादर नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, भाई नहीं पढ़ने देना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ मेरी उन पुरुष, जो मेल
जो घर के मुखिया हैं उनसे मेरा ये संदेश है कि आप अपने बेटियों को जहाँ खाना बनाना सिखाते हो, झाड़ू पोछा सभ्यता सिखाते हो, संस्कृति सिखाते हो, उसी के साथ साथ आप उन्हें पढ़ना लिखना और एक एजुकेटेड गर्ल बनाएं ताकि वो अपने बुरे वक्त में अपने आप को खुद हैंडल कर सके, डिपेंड ना होना पड़े किसी के ऊपर। लेकिन पढ़ाई के लिए सरकार भी कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रही है, एजुकेशन को फ्री नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहन बेटियां हैं, वे लोग नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनके माँ बाप इतने रुपये नहीं कमाते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में जैसे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं आप उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हो। हाँ, ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल कराना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अच्छी शिक्षा ले सकें। माता फूले ने जब स्कूल खोला था तो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी, ना कि उसमें जाति देखा जाता था, ना धर्म देखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि अगर स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है तो उसमें जातियाँ देखी जाती हैं, धर्म देखा जाता है, मजहब देखा जाता है, उन्हें आगे पीछे बैठाया जाता है। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि स्कूल में माता फूले बाई के बारे में बताना चाहिए। जब स्कूल ही नहीं बताएगा तो बच्चे कैसे जानेंगे, तो उसके लिए उनके बारे में स्कूल वालों को बताना चाहिए। एक लेक्चर या एक कुछ भी इस तरीके से आप बच्चों को बताओ कि वो जान सकें कि एक्चुअल में वो कौन थी। जब आप एक बहुजन समाज की महिला को, जिन्होंने महिलाओं को लिए एक स्कूल खोला है, उनको आप रिप्रेजेंट स्कूल में करोगे तो वहाँ के बच्चे उनको जानेंगे। जब आप उन्हें जानोगे तो फिर मुझे लगता है कास्टिज्म शायद वहाँ ख़त्म हो जाता है। मतलब बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी संभव नहीं है। सावित्रीबाई फुले का जो था मोटो कि गो एंड गेट एजुकेशन, जाओ जाकर पढ़ो लिखो। तो मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ उनकी, प्लीज लिसन, कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, मेहनती काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, दमितों और त्याग दिए गए के दुखों का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, गो एंड गेट एजुकेशन। मैं सर एक बेसिक टीचर हूँ और मैं बच्चों को माता रमाई सावित्री बाई फुले को, जो मैंने रात भी पढ़ाया है बच्चों को गाँव में जाकर, मेरा डेली यही काम है, अपने जो बहुजन आइकन्स हैं उनको पढ़ाने का काम है कि कैसे बच्चों में जागृति आए। बस ये लेकिन सवाल ये भी है ना, सरस्वती वंदना है, मैं माता सरस्वती पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ जी, लेकिन सरस्वती वंदना किताबों में पढ़ाया जाता है जी, लेकिन माता फूले वंदना नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता कि कौन थी। अभी भी जो बहुजन समाज की बच्चियाँ हैं, माताएं बहनें, उनको नहीं पता माता फूले कौन थी। से माता फूले को देखो सर, हम ये कहते हैं हमें किसी के विरोध कुछ कहना ही नहीं है, हमें तो अपना काम करना है, आई डू माई वर्क, है ना। तो हमें माता रमाई को पढ़ाना है, सावित्री बाई को पढ़ाना है, इतनी 18 स्कूल उस टाइम पे खोले। और जब मेरी बहन है ना, बहन माई डॉटर मदर सिस्टर डिटरमाइंड, नोबडी कैन चैलेंज, तो सभी को बीड़ा उठाने की ज़रूरत है। और मैं खुद इस काम को, मेरे घर में जो हर वगैरह होते थे अब नहीं होते हैं, और सबसे पहले तो मैंने खुद अपने आप में परिवर्तन किया सेल्फ में, फिर मेरी वाइफ है वो भी नहीं करती, सब बढ़िया चल रहा है, ससुराल में नहीं होता ये चीज़ें। तो पहले है अपने चेंज योर सेल्फ, अपने को परिवर्तन करें, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं, बिल्कुल किसी पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, कमेंट पास मत कीजिए, खुद को सुधारिए और खुद में परफेक्ट बनिए, तभी हमारा देश और हमारा समाज तरक्की कर सकता है। लेकिन मैडम मेरा सवाल आपसे है कि आजकल की जो सरकारें हैं वे नहीं चाहती कि जो नई पीढ़ी है, युवा हैं, वे लोग पढ़ाई लिखाई कर सकें, पढ़ लिख लेंगे तो अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे, और जब अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे हो सकता है नेता बन जाए, हो सकता है क्रांतिकारी बन जाए, समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ये जो नेता है क्यों नहीं चाहते? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेता नहीं चाहते कि वो पढ़ें, क्योंकि स्कूल्स तो खुल ही रहे हैं। और ये सारी बातें ना पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं, पेरेंट्स अपनी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ना करें, वो स्कूल्स में बच्चों को डालें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं, उन्हें पढ़ाएं। मतलब रोटी को हाथ पर रखकर खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अधिकार ना मांगे मिले कभी, अधिकार तो छीने जाते हैं, तो अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो छीन लेना चाहिए। तो समदा सैनिक दल जो है वो इसी पर काम करता है कि अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो उसे छीन लिया जाएगा। लास्ट में जो बहुजन बेटियाँ देख रही, माताएं बहनें देख रही हैं, क्या अपील करना चाहेंगी उनसे? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है,
तो आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है, उसे बढ़ाइए आप, चाहे वो डांस है, सिंगिंग है, एजुकेशन है। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूँगी, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। मैं खुद एक प्रोफेशनल जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जुम्बा कराती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को और भी फील्ड में डालिए, आप अलग अलग लैंग्वेज सिखाइए उनको बाहर की। जो मैं बताना चाहूँगी, बाहर के कौम के लोग या कास्ट के लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को बिजनेस में डालिए, उनको कुछ अच्छा ऐसा टैलेंट उनका इम्प्रूव कीजिए कि समाज बदल सके। समाज को बदलने की ज़रूरत है। समाज बदलेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। क्या कुछ अपील करेंगे मैडम जो बहुजन समाज की बहन बेटियाँ हैं? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। बाबा साहब ने कहा था, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के हम जो है अंधेरे में भटकते हुए रहेंगे। और अगर आपने जैसे अभी पूछा हमारी बहन से कि मतलब सरकारें जो है क्यों नहीं चाहती, वो निरंतर जो है शिक्षा के प्रति अपना भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। वो नहीं चाहती कि हमारा समाज पढ़े लिखे। हमारा समाज गरीब है, इसलिए जो है जितने भी ये सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये तरह तरह से उनमें बहुत सारी छुट्टियां पढ़ाई जा रही है ताकि बच्चे ना पढ़ें। या शिक्षक का काम में शिक्षा देना, लेकिन उसको कभी जनगणना में लगा रहे हैं, कभी बस पोलियो में लगा रहे हैं, कभी मतलब BLO बना के उनको बैठा देते हैं। तो वो नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ हमारी लड़ाई है विचारधारा की। विचारधारा की दो विचारधाराएँ देखिए, एक तो सत्य पे आधारित जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रही है, मतलब जद्दोजहद कर रही है। दूसरी विचारधारा वो है जो कपोल कल्पित जो हमारी कथाएं हैं उन पे आधारित है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, और हम लोग पढ़ेंगे तो हम सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है। वो ये चाहते हैं जैसा उन्होंने बोल दिया। वो लोग क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, जिससे कि कानों को अभ्यास हो जाए झूठ सुनने का। दूसरी बात, झूठ बोलिए और इतनी शिद्दत से बोलिए कि आने वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उसको सच मानने लगे। तो इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे लोग शिक्षित होंगे और वो जो है तार्किक होंगे। शिक्षा हमें तार्किक बनाती है, तो उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही जो है सवाल पूछने का जुनून, जज्बा, हौसला देती है, और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने समाज का कुछ भला कर पाएंगे। बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। माता फुले के जन्मदिन को आप किस तरीके से मना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।